नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समददार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। जनवरी चालू हो गया है, टैक्स प्लानिंग का राइट टाइम है। चाहे आप इंडिविजुअल हो चाहे आप बिजनेसमैन हो, दोनों के लिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 25 से ज्यादा पॉइंट मैं आपको इसलिए बताने वाला हूं ताकि आप इनको सिर्फ नोट डाउन करिए और उसमें खाली चेकलिस्ट बनाकर टिक कर लीजिए। आपने अगर उसका पालन किया हुआ है तो ये वाला मार्च में आपकी बैलेंस शीट जबरदस्त बनेगी और आपकी ऑडिट सही होने वाली है, आपका टैक्स रिटर्न सही फाइल होगा। अगर आपने लोन लेना है तो लोन मिलने में आसानी होगा। अगर आपको इन्वेस्टर को प्रेजेंट करना है अपने फाइनेंशियल्स को, तब भी आपके काम आने वाला है। आपका बिजनेस है, चाहे आपका फाइनेंस बिजनेस है या फिर आप इंडिविजुअली छोटा सा कोई धंधा करते हो, आज का वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आपको डिडक्शंस चेक करने पड़ेंगे कि वो डिडक्शन अगर एप्लीकेबल है तो फिर उसका सही उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, 80G बिजनेस के लिए भी काम आता है और इंडिविजुअल के लिए भी काम आता है, तो 80G मतलब डोनेशन वाला। उसके बाद 80C, 80C में हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल हो, चाहे आपका LIC हो या कोई भी लाइफ इंश्योरेंस हो और बच्चों का ट्यूशन फीस हो या फिर लॉन्ग टर्म हमने डिपॉजिट रखा है जो कि अलाउड है 80C में, या इसके अलावा 80C के दूसरे पॉइंट्स अगर आप कवर करते हो तो उसको जरूर ध्यान पे रखिए। अगर आपने LIC वगैरह लेनी है या फिर लेके रखे हुए हैं और इस पीरियड में ही आपको उसको चालू रखना है तो उसका पेमेंट जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है 80D। 80D मतलब मेडिकल एक्सपेंसेस भी आपको चेक करने पड़ेंगे। 80E एजुकेशन लोन अगर आपने लिया है तो उसके डिडक्शंस का देखना पड़ेगा। 80U अगर कोई विकलांग है तो फिर सर्टेन परसेंटेज, 60%, 80% बेस्ड ऑन डिसेबिलिटी उनको छूट मिलता है, वो छूट देखना चाहिए। इसके अलावा 80TTA का बेनिफिट आपको मिल सकता है, जो कि सेविंग अकाउंट में अगर आपका इंटरेस्ट है तो उसको प्रॉपरली अलग से सही अकाउंटिंग अगर आपने किया। इसके बाद अगर आपका बिजनेस है तो सेल्स या इनकम जितना भी है उसको, ग्रॉस को पूरा चेक कर लीजिए, वो सही है कि नहीं। एक्सपेंसेस को चेक कर लीजिए, सही है कि नहीं, हेड्स प्रॉपर है कि नहीं। अगला चीज ये कि अगर आपने कोई एक्सपेंसेस किया है और उसका बिल अभी तक आया नहीं है तो फिर बुक्स ऑफ अकाउंट में वो ऑलरेडी खड़ा हुआ रहता है और हम लोग कोई अरेंजमेंट कर नहीं पाते। 31 मार्च निकल जाता है, सामने वाला GST का रिटर्न भर देता है, उसके बाद बोलते हैं सर कहीं से मिल नहीं रहा, फिर हमको कोई जुगाड़ करना पड़ेगा, जबकि आपने एक्चुअल ट्रांजेक्शन किया है। तो आज के आज ही वेरीफाई कर लीजिए, साल भर का वेरीफाई कर लीजिए, कुछ छूटा होगा तो इसी साल के अंदर में आप वो बिल लेकर प्रॉपरली अपना लेजिटिमेट एक्सपेंसेस जरूर बुक कर लीजिए। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो अपने स्टॉक को मैच कर लीजिए कि स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर नीचे तो नहीं है, जितना आपने सेल किया, जितना परचेज किया उसको GST से मैच कर लीजिए, ताकि GST से सेल परचेज मैच होने के बाद में जो डिफरेंस है वो स्टॉक से आपका कनेक्शन और रिकंसिलेशन बैठाने में आपको सुविधा होगी। और वहां पर अगर कोई मेजर डिफरेंसेस है तो वो कहां अकाउंटिंग की गलती है या फिर फिजिकली कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है, ये भी आप जरूर चेक कर लीजिए। अगर आपने लोन लिया है या लोन दिया है तो उसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की प्रॉपर एंट्री हुई है कि नहीं हुई। अगर आपने लोन लिया है तो फिर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में आना चाहिए, और अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे किया था जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी है तो प्रिंसिपल माइनस हो जाना चाहिए लोन के अंदर में। और इसी का वाइस वर्सा, अगर आपने लोन दिया है तो इंटरेस्ट अगर कोई देगा तो उसको भी कंसिडर करना है कि हमारे इनकम में ऐड होने वाला है। तो टैक्स प्लानिंग जब भी करेंगे तो वो भी ध्यान रखिएगा कि ये भी हमारे पास आने वाला है और उसके अकॉर्डिंगली भी हमको टैक्स पेमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेप है कि टेंटेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जरूर बना लीजिए 31 मार्च तक का। अभी आपका दिसंबर तक के सारे डेटा आपके पास होंगे, उसका GST ऑलरेडी आप फिल कर चुके होंगे या करने वाले होंगे, तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं। आगे के 3 महीने का भी एक टेंटेटिव बना लीजिए। सर मैं इसको दो पार्ट में करना चाहता हूं, तो पहले 9 महीने का बना लीजिए, तो 9 महीने के हिसाब से हम लोग आगे का भी बना सकते हैं, लेकिन साल भर का अगर आप बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। यहां पर डेप्रिसिएशन आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और उसके अंदर में आपने डेप्रिसिएशन नहीं डाला, जबकि डेप्रिसिएशन अमाउंट बहुत बड़ा फिगर हो सकता है या फिर कंसिडरेबल फिगर हो सकता है, तो फिर आपका कैलकुलेशन और प्लानिंग पूरा गलत हो सकता है। आपको TDS चेक करना है कि कितने TDS आपके कटे थे, वो TDS ऑनलाइन जमा हो गए कि नहीं हो गए, या फिर आपको पता नहीं थे और ऑनलाइन जमा हुए तो उसके अगेंस्ट में अगर कोई इनकम था तो इनकम आपको दिखाना था तो वो इनकम को जरूर दिखा लीजिए। एडवांस टैक्स आपने कोई पेमेंट किया था कि नहीं किया था उसकी फाइल अलग से रख लीजिए। एडवांस टैक्स अगर आपको लगता है कि मुझे और पेमेंट करने की जरूरत है तो जरूर पेमेंट करते रहिए, उसके लिए आखिरी डेट का 15 मार्च का वेट करने की जरूरत नहीं, आज भी पेमेंट करेंगे तो डिपार्टमेंट खुशी खुशी लेने वाला है। GST और TDS और उसका लेट फीस, इसका प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करिएगा। अगर वो खर्चे में अलाउड है तो खर्चे में लीजिएगा, अगर अलाउड नहीं है तो फिर वो कैपिटल नेचर का है तो फिर उसको कैपिटल नेचर में ही रहने दीजिए। स्टॉक मार्केट के ट्रांजेक्शन जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि मैसिव ट्रांजेक्शन होते हैं तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है, नोटिस पक्का आने लगता है और लोग बोलते हैं यार मेरा तो लॉस हो गया, भले मैंने 4 करोड़ का ट्रांजेक्शन किया था, लॉस हुआ होगा लेकिन आपने क्यों किए, अपने
फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाया, इसी कारण आपको नोटिस आता है। अगर आप दिखा दे तो कि हाँ भाई मेरा 4 करोड़ का ट्रांजेक्शन था, 1 लाख रुपए का नेट लॉस हुआ, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है कि स्टॉक मार्केट का भी टैक्स प्लानिंग आज करने का समय आ गया। फॉर एग्जाम्पल, आपने साल भर में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1.5 लाख रुपए कमाया और आपके कुछ होल्डिंग है जिसमें अभी 1.25 लाख रुपए लॉस में चल रहे हैं, लेकिन हम बेचना नहीं चाहते। इसलिए नहीं बेचना चाहते क्योंकि हम लॉस में क्यों बेचे, मैग्री हो गया, लेकिन आज ही उसको बेचो और आज वापस खरीद लो। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, जो 1.5 लाख का आपका प्रॉफिट हुआ शॉर्ट टर्म, उसमें ये 1.25 लाख रुपए माइनस हो जाएगा अगर ये शॉर्ट टर्म है तो केवल 25,000 रुपए पे टैक्स लगेगा। तो हमको जिद्दी होने की जरूरत नहीं है, दिमाग वाला होने की जरूरत है। आपने तुरंत खरीद तो लिया तो आपका नुकसान तो हुआ नहीं, वही सेम स्टॉक उतने ही रेट में आपके पास आ गया, लेकिन आपको टैक्स अब 1.5 लाख के ऊपर नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ 25,000 रुपए के ऊपर देना पड़ेगा। 1.25 लाख के ऊपर जो टैक्स बनता है वो टैक्स आपका डायरेक्ट बेनिफिट होगा। तो स्टॉक का प्रॉफिट लॉस कैपिटल गेन, ये सारी चीजों को आपको एक बार प्लान करना पड़ेगा। कैपिटल गेन का ट्रांजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखिएगा कि कैपिटल गेन से रिलेटेड कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन तो नहीं है, अगर है तो फिर वो उसका स्पेशल उसका ट्रीटमेंट तो नहीं है, उसका स्पेशल टैक्सेशन तो नहीं है, उसका अलग से टैक्सेशन तो नहीं है, या फिर वो शॉर्ट टर्म है और उसको इनकम में जोड़ दिया जाएगा। तो इनकम में अगर जोड़ देंगे तो फिर वो हम लोग ओवरऑल प्लानिंग कर लेंगे, अगर उसका सेपरेट टैक्सेशन है तो फिर हमको इनकम में जोड़ने की जरूरत नहीं है, उसका टैक्स अलग से ही पे करना पड़ेगा। टीडीएस कट गया होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम उसका टैक्स अलग से पे कर देंगे। नेक्स्ट है क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन देखने, बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पे 30% का टैक्स आपको लगेगा, उसमें कोई खर्चा अलाउड नहीं रहता। हाँ, केवल खरीदे अगर वो अपने अपने बैंकिंग चैनल से पेमेंट करके और वहीं से वापस बेचकर कुछ प्रॉफिट आया होगा तो केवल प्रॉफिट पे आपको टैक्स देना है, लेकिन अगर पता नहीं कहीं से आपके पास में क्रिप्टो आ गया था और आपने सीधा बेच दिया तो फिर जो सेल हुआ है उस पर सीधा 30% का टैक्स लगेगा। इसके अलावा टीसीएस का भी प्रोविजन इंडियन गवर्नमेंट ने लगा रखा है, तो टीसीएस भी आपके कटे होंगे, तो फिर आप देख लीजिएगा कि आपके 26AS में TCS mentioned है क्या ऐसा कुछ, अगर है तो फिर उसका भी इनकम का और वो ट्रांजेक्शन का प्रॉपर ट्रीटमेंट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में आना चाहिए। म्यूचुअल फंड के ट्रांजेक्शन चेक करिएगा कि अगर उसके बेनिफिट पे, उसके रियलाइज्ड बेनिफिट पे अगर कुछ टैक्स आता होगा तो फिर उसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगा। अगर कोई मैच्योरिटी हो गई तो मैच्योरिटी में टैक्स देना है या नहीं देना है, ये भी हर टाइप के म्यूचुअल फंड में अलग से मेंशन रहता है और उसका टैक्सेशन का सिस्टम अलग है। इसके लिए आप हमारी अलग से एक वीडियो बनी हुई है, उसको आप जरूर सर्च करके देख सकते। अब अगर अनसिक्योर्ड लोन लिया या दिया तो उस पर TDS का जो एप्लीकेबिलिटी है उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर हमारे को किसी ने पेमेंट किया उसका TDS उसने काटा है तो फिर हमको बार बार हर महीने चेक करना चाहिए। अभी तो साल खत्म होने वाला, अभी तुरंत चेक करो कि क्या कोई ऐसा है जिसने हमारा TDS काटकर पेमेंट किया और उसने TDS ऑनलाइन जमा नहीं किया, और हम लोग उसको बार बार मेल और फोन जरूर करना है, मेल जरूर रखिएगा ताकि कभी अगर डिपार्टमेंट बोले कि आपका TDS नहीं पटा है तो आप बता सकते हो कि भैया हमने उनको पटाने के लिए बोला हुआ है, और प्रेशर करिए या तो मेरे पैसे पटा दो या मुझे पैसे दे दो, आप भले डिफॉल्टर हो जाओ मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आप भी सही रहो मैं भी सही रहूं तो TDS को मेरे जो है तुरंत पटा दीजिए ताकि मुझे ऑनलाइन रिफ्लेक्ट हो जाए। अब अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया तो सस्पेंस की एंट्रीज को जरूर चेक कर लीजिए कि वहां पर अगर कोई सस्पेंस आ रहा है तो उसका खोज आज कर लीजिए, क्योंकि 1 साल बाद आपको और ज्यादा याद नहीं रहने वाला। अभी हो सकता है कि एम्प्लॉई कोई है आपका जो ये काम कर रहा था तो बता दे, कल दिन अगर वो नहीं रहा है कहीं चला गया तो फिर आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने में दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट है कैपिटल इंट्रोड्यूस को देखिएगा कि कैपिटल इंट्रोड्यूस आपने सही सही अपने कैपिटल में ऐड किया हो, ऐसे रिलेटिव से ही लिया हो जिसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस करने से आपको टैक्स नहीं लगता है। बहुत सारे लोग FMCG और काफी सारी कंपनीज हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी से डील करते हैं तो फिर बैलेंसेस हमेशा मैच होने जरूरी है, तो आपको अकाउंट स्टेटमेंट लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल FMCG वाले हिंदुस्तान यूनिलीवर से उसका डील चल रहा है तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ उसका लेजर हमको मंगवाना पड़ेगा, जो बैलेंसेस और जो ट्रांजैक्शन एंट्री वो हमारे में क्रॉस दिखना चाहिए। और एक चीज मैं बता दूं, ये तो आप बड़ी कंपनीज का कर ही लोगे, लेकिन जो इंडिविजुअल्स के साथ भी आप लेन देन करते हो ना, वहां पर भी आप कोशिश करो कि अपने तरफ से ट्रांसपेरेंसी रहे। आप अपने लेजर भेज दो, अगर सामने वाला जवाब नहीं दिया तो हम बता सकते हैं भैया हमने मेल भेजा था और उसके अगेंस्ट में आपके कोई रिप्लाई आया नहीं, या उससे रिप्लाई ले लो और वो बैलेंसेस अगर हम दिखाते हैं तो कल दिन हमारे को दिक्कत नहीं होगी या फिर हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे। लास्ट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूर देख लीजिए, कंप्यूटेशन जरूर देख लीजिए, उसमें जितने इनकम टाइप ऑफ इनकम आए थे उसमें से कोई इनकम छूटा तो नहीं है। अगर हो सकता है कि इस बार कोई इनकम जो पिछले साल आया था नहीं आया हो, लेकिन देखने में कोई परेशानी नहीं है, भाई एक्स टाइप का एक इनकम था जो पिछले बार आया था इस बार तो नहीं है, अरे आया तो है मुझसे छूट गया है, छूट गया तो अब ले लो, नहीं इस बार हुआ ही नहीं कोई बात नहीं, लेकिन हमने वेरीफाई कर लिया तो हम लोग संतुष्ट हो गए। अब FD और सेविंग दोनों के इंटरेस्ट को हमको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सेविंग का इंटरेस्ट अगर प्रॉपरली अगर सेपरेटली मेंशन नहीं करेंगे तो 80 TTA
का जो हम लोगों को डिडक्शन मिलता है मिलेगा नहीं, और एफडी का इंटरेस्ट ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, जो भी बैंक ने डिडक्शन किया होगा नॉर्मली वो टीडीएस जरूर फाइल करते हैं, तो फिर वहां से आपको देखने मिल जाएगा। इसके अलावा आप खुद से भी कैलकुलेशन कर सकते हो अगर वहां पर क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका एक और मतलब है कि आपके पास जितनी एफडी है ना उसके सारे की कॉपी आप अपने अभी जो रफ तैयारी कर रहे हो उसमें जरूर लगा दीजिए, ताकि आपको पता रहे ये एफडीए इस पीरियड तक मैच्योर होने वाली है, उस पर नॉर्मली इंटरेस्ट कितना लगना चाहिए वो कैलकुलेशन भी आप चेक कर सकते हो। और आप ये भूलिएगा मत कि इंटरेस्ट सर्टिफिकेट एफडी का जरूर ले लीजिएगा 31 मार्च के बाद में। अब इसके बाद में आते हैं, अगर आपने कोई हाउसिंग लोन लिया है ठीक है, वो हाउसिंग लोन का भी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का सर्टिफिकेट जो है 31 मार्च तक आप लीजिएगा, लेकिन आपके ट्रांजेक्शन और इंस्टॉलमेंट के हिसाब से जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का ट्रीटमेंट होना चाहिए आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको आज के दिन में आप जरूर कर सकते हो। अब आपको जीएसटी को जरूर मैच करना है परचेज और सेल से, और एक चीज और देखना है कि साल भर में कोई गलती तो नहीं हुई है जिसको हम लोग को आज सुधारना है। बीच में अगर हो सकता है कुछ सेल या कोई परचेज या कोई जीएसटी लेना या अगर जीएसटी का आउटपुट देना छूट गया हो तो फिर उसको आज ले लीजिए अपने साल भर के अंदर में, ताकि इसके बाहर कुछ ना जाए, कोई पेनल्टी या किसी प्रकार की कार्यवाही जीएसटी डिपार्टमेंट से हमारे ऊपर ना हो। लोन्स एंड एडवांसेस का हेड वेरीफाई कर लीजिए, चाहे आपने लोन दिया हो या एडवांसेस दिया हो या लोन या एडवांसेस लिया हो, वो प्रॉपर हेड में सही तरीके से सही अमाउंट गया है, और उसका भी अगर आपको क्रॉस एंट्रीज पता चल जाए सामने वाले पार्टी से तो फिर जबरदस्त हो जाए। अगर आपके बिजनेस में लोन लिया हुआ है और लोन लगातार रिन्यू करना है या फिर आगे लेना है, तो फिर हम लोग को रेशियो एनालिसिस जरूर करना चाहिए। पिछले साल की रेशियो एनालिसिस कर लीजिए, इस बार की रेशियो एनालिसिस कर लीजिए, वो सारे एनालिसिस लोन के हिसाब से सही जा रहे कि नहीं जा रहे, फॉर एग्जाम्पल करेंट रेशियो हो गया, डेप्ट इक्विटी रेशियो हो गया, और बहुत सारे रेशियोज हैं जो हम लोगों को चेक करने रहे फाइनेंस के लिए, तो ये आपको जरूर देखना है। इसके अलावा अगर आपने कोई कैश में एक्सपेंसेस किया हो या फिर कोई टैक्सेस पटाया हो जो आपको अभी याद नहीं आ रहा है, तो फिर उसको याद करने का कोशिश कर लीजिए, इसी साल में याद आना चाहिए, और उसके बिल्स जरूर ले लीजिए या फिर उसके वाउचर्स जरूर बना लीजिए, सही तरीके से उसकी एंट्री करा लीजिए, क्योंकि टैक्सेस का अगर आपने पेमेंट किया है, ड्यूटीज का पेमेंट किया, तो फिर उसका एंट्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्टैट्यूटरीली मतलब लीगली होना चाहिए। उसके अलावा खर्चे भी कोई अगर आपने जेब से खर्चा किया है या फिर कैश से खर्चा किया तो वो जरूर आना चाहिए। बिल नहीं है अगर उसका तो बिल मंगवा लीजिए, जुगाड़ कर लीजिए जिसका जहां भी आपने एक्सपेंसेस किया हो। स्पेशल गेमिंग अगर है तो गेमिंग के लिए अलग से टीडीएस कटता है, गेमिंग के इनकम को अलग से दिखाना पड़ेगा, अलग हेड में दिखाना पड़ेगा आपको, राइट। जैसे ड्रीम इलेवन से अगर कोई कमाई हुआ तो उसको अलग से शो करना पड़ेगा। अगर आपने पिछले किसी साल में या इस साल में कोई प्रॉपर्टी बेचा है जिसमें एक सर्टेन पीरियड के अंदर में आपको अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, तो ध्यान रखना जैसे 6 महीने के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आपको 6 महीने के अंदर में इन्वेस्टमेंट हुआ कि नहीं हुआ उसको चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो इन्वेस्टमेंट सच में करना है लेकिन क्योंकि हमको याद नहीं रहा, हमको पता नहीं, हमारा ध्यान नहीं रहा, कोई बताया नहीं, इसी कारण हमारा नुकसान हो जाए। तो समय पर इन्वेस्टमेंट कर दीजिए अगर सच में करना है और उसका बेनिफिट मिल सकता है, बिल्कुल तुरंत ले लीजिए। अब हाउस प्रॉपर्टी अगर आपका है तो फिर उस पर ध्यान रखने की वाली बात है कि अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रहा है किसी भी तरीके का, वो सारे इनकम आप ले लीजिए। इसके अलावा सेल्फ ओन्ड हाउस और जो रेंटल हाउस, इसका ट्रीटमेंट जो हाउस प्रॉपर्टी में होता है उसको प्रॉपरली चेक करिए, कौन से वाले हाउस को आप सेल्फ यूज दिखाना चाहते हो और कौन से को सेल्फ यूज नहीं दिखाना चाहते हो, ये दोनों चीजें आपको क्लियर करना पड़ेगा। और उसमें भी जो नोशनल इनकम है तो नोशनल इनकम को हमको कंसिडर करना पड़ेगा इनकम टैक्स के लिए, और अगर एक्चुअली कोई और इनकम आ रहा है तो वो भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। इसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस अगर है तो अदर सोर्सेस के इनकम का भी सही ट्रीटमेंट और सही टीडीएस और सही अकाउंटिंग जरूर करना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिए, इसको टिक कर लीजिए, आपके बिजनेस में भी काम आने वाला है, आपके कंप्यूटेशन में भी काम आने वाला है, आगे आपके लोन में भी काम आने वाला है। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहिएगा मेरे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।